हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्माइल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अपन एक इस आज की वीडियो में पूरा रिव्यू लेंगे, जो भी अपन ने एक हफ्ते में जितने भी शेयर मैंने बताया है उसमें कितना रिटर्न हुआ है आपको, वो भी मैं बताऊंगा, और धीरे धीरे अपना कितना रिटर्न कमा सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये शीट खोली है, तो पहले इसमें डेट लिखी मैंने, कौन कौन सी तारीख को कौन कौन शेयर का नाम लिया बंदा बताया था, फिर सेकंड में शेयर नेम लिखा है, थर्ड में वीडियो डे प्राइस, मतलब इसमें एक शेयर की उस दिन प्राइस कितनी थी जब मैंने वीडियो बनाया था, और जो अभी प्रेजेंट प्राइस चल रही है कल फ्राइडे तक की जो भी आया तो उसके हिसाब से मैंने बनाया है, और डिफरेंस भी देख सकते हैं अपने इसमें। डिफरेंस में जो मैंने रेड से हाईलाइट किया मतलब उसमें माइनस हुए अपन को, और जो ग्रीन से किया है उसमें आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अपन पूरा अच्छे से डिटेल एनालाइज कर लेते हैं कि आपको कैसे रिटर्न मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपने सिर्फ 7 डेज़ में भी, प्रॉपर 7 डेज़ तो सिर्फ एक ही दो तीन स्टॉक को ही हुए होंगे सिर्फ, जो मैंने आईटी सेक्टर से बनाए थे उन्हीं में बस आपको उनके भी 1 वीक हुए, बाकी के तो उतने भी नहीं हुए। तो आप जितना ज़्यादा अभी टाइम देंगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और अपनी स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करें, और कुछ दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट्स भी कर सकते हैं आप, कमेंट्स में आपको क्लियर करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज अब मैं मार्क करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपन ने TCS की बात करी थी 24 जून को, जिसकी वैल्यू थी उस दिन 3370 थी, जो कि अभी लेटेस्ट प्राइस 3329 हुई, और अभी अपन को डिफरेंस में इसमें मतलब 40 रुपीज़ माइनस में हुए हैं, तो उसमें अपन को थोड़ा सा लॉस हुआ है। अगर इन्फोसिस की बात करें तो 24 तारीख को ही शेयर का नाम बताया था मैंने आपको, उसकी प्राइस थी उस दिन 1556, जो फ्राइडे के दिन में था 1566, उसमें अपन को सिर्फ 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। फिर विप्रो अपन ने 547 का शेयर बाय किया होता अगर आपने मेरे कहने पर मेरी वीडियो देख के, तो विप्रो पे आपको 547 का था जो अभी 538 रुपीज़ का हो गया, जिसमें आपको 9 रुपीज़ का लॉस हुआ है। HCL में 990 का था और अभी प्रेजेंट वैल्यू 985 है, उसमें 5 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो और उसके बाद अपन कोफोर्स की बात कर लेते हैं, कोफोर्स भी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं इसने अभी, तो इसने ये 4082 पे बताया था, जो अभी प्रेजेंट वैल्यू 4183 है, इसमें अपन ने 100 रुपीज़ कमाए हैं, मतलब जो भी अपना लॉस था ऊपर उसको अपन ने कवर करवा दिया कोफोर्स से ही। इसलिए अपना पोर्टफोलियो को हमेशा डिवेस्टमेंट में करके रखना चाहिए, कभी भी एक शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड नहीं करना। सिर्फ अभी अपने एक एक शेयर को बाय करा होता आपने मेरे कहने पे, तो आपको इतना प्रॉफिट होता 700 का, वो भी 1 वीक में, पूरा 1 वीक अभी भी नहीं हुआ है। टेक महिंद्रा की बात करें तो 1089 था, जो कि 1080 था, जो अभी 1089 है, 9 रुपीज़ का अपन को प्रॉफिट हुआ है। नवीन फ्लोरिंग में आप देख सकते हैं, नवीन फ्लोरिंग 3647 का था, जो कि प्रेजेंट वैल्यू उसकी है 3796 की, अभी अपन को प्रॉफिट हुआ है 149 रुपीज़ का। FL इंडिया की बात करें तो FL इंडिया आप 2 से 3 दिन में देख सकते हैं, जो आपको 180 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है FL इंडिया, ये आपको पॉजिटिव में दिखा देगा अभी, क्योंकि फ्राइडे दिन के दिन ही FL इंडिया ने अपर सर्किट लिया है, और उनके अच्छी बेस्ट न्यूज़ भी आई है, उसको मैंने कवर नहीं किया, मैं कोशिश करूँगा कवर करूँगा, आप लोग कमेंट्स करेंगे तो इसमें अपन को ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में जब इसका शो करूँगा आपको, हर सैटरडे या संडे को मैं इसका ये बनाऊँगा, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि अपन को किस में प्रॉफिट हो रहा है। फिर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 4497 पे वीडियो बनाया था, जो कि एट प्रेजेंट वैल्यू 4540 है, 43 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न दिए है। डी मार्ट की बात करें 3313 था, जो 3318 है, 5 रुपीज़ का अप है। रिलैक्सो 1182 बताया था, जो 1203 रुपये गए हैं, वो भी 21 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है अपन को। बाटा मैंने 1631 बोला था, जो अभी इसमें अपन को 41 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, बट ये भी अपन को कवर हो जाएगा थोड़े वन मंथ्स में। एस्ट्रल पॉली की बात करें तो एस्ट्रल पॉली 1920 का था, जो 1040 का हुआ, 2040 का हो गया, जिसमें आपको 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रिंस पाइप भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, अभी आपको 695 का था, 733 का प्रॉफिट, 733 का वैल्यू अभी प्रेजेंट 38 रुपीज़ का प्रॉफिट है।
आप इसमें 38 रुपीज़ देख रहे हैं, बट इसकी वैल्यू परसेंटेज में बहुत अच्छी आएगी। ये तो छोटा शेयर था। माइंडट्री की बात करें तो माइंडट्री भी अच्छा है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। 2446 वैल्यू पे वीडियो बनाया था, जो प्रेजेंट वैल्यू 25474 है, 128 रुपीज़ के पॉजिटिव। हैप्पीनेस माइंड ने तो कमाल ही कर दिया है, 952 रुपीज़ का था, जो 11178 का हुआ है, 226, मतलब 5 स्टार इसी को मिलना चाहिए कि इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं अपन को। 5 स्टार है इसका, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी ने दिए हैं। 25% के अप्रोक्स रिटर्न दिए हैं जब से मैंने वीडियो बनाया है इसका, हैप्पीनेस माइंड का। RVNL ये तो छोटा स्टॉक है, जितने छोटे स्टॉक पे रहेंगे उतना कम रिटर्न मिलेगा आपको, ये भी याद रखिए। बट ये फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और PSU सेक्टर से बिलोंग करता है, रेलवे से, रेलवे विकास निगम लिमिटेड है। रेलवे का विकास के लिए ये IPO आया था इसका, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। 32 रुपीज़ के मैंने इसमें बनाया था, 32 पॉइंट्स कुछ था, तो नॉर्मल सेम ही रेंज चल रहा है 32। IRTC में 25 पे बनाया था, वो 1 रुपये का माइनस में है। और IRCTC 6 रुपये के माइनस में, मतलब ये अभी अच्छे स्टॉक है, धीरे धीरे बढ़ने वाले। जब बढ़ेंगे, जब किसी की नज़र नहीं होगी, तो ऐसे मतलब एकदम स्ट्रेट भाग जाएंगे वी शेप रिकवरी करके। अभी धीरे धीरे ऐसे डाउन चलेंगे, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल सडनली एक जंप दिखाएंगे ये शेयर। तो इन शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। टाटा एलेक्सेस, ये अभी लार्ज कैप बन गया है, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया जब अपन ने वीडियो बनाई थी, 4350 4430, तो 80 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया, बहुत ही अच्छा। अभी मिड कैप से लार्ज कैप बन गया है, और इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से इसको बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी फ्यूचर डल रहे हैं नए नए, तो टाटा एलेक्सेस को ही कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं टाटा मोटर्स से। HUL की बात करें तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, FMCG का नंबर 1 स्टॉक, इसने 10 रुपीज़ के प्रॉफिट दिए। टाटा कंज्यूमर बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जब से NIFTY 50 में ऐड हुआ है, सीधे 650 के बाद 750 कब हो गया इसका पता ही नहीं लगा, 100 रुपये की जम दिखा चुका। मैंने वीडियो थोड़ा लेट बनाया था, तब मैंने चैनल भी नहीं स्टार्ट किया था, तो अभी 758 का 765 हो गया, 7 रुपीज़ की जम दिखा रहा, बहुत ही अच्छा। InfoEdge नौकरी 5302 5350 हो गया, 50 रुपीज़ के अप्रॉक्स जम दिखाया है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है आप जितना भी, तो सिर्फ वन वीक तो सिर्फ यही वाले शेयरों को हुआ होगा, ये 25 तारीख तक के वाले में हुआ है, बाकी को तो 1 वीक भी नहीं हुआ है, तो अच्छे खासे आपको रिटर्न मिल रहे हैं। तो अगर आप बैंक में भी रखते हैं, तो FD भी कराते हैं, तो मैक्सिमम आपको 6% देता है। तो 6% कब देता है, जब आप 365 डेज उसको बैंक में रखेंगे, तो 365 डेज रखने का, अगर मान लो 50,000 रुपये का मैंने बताया है, तो 50,000 रुपये का 4-6% कितना होगा, आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसमें देखिए सिर्फ 7 डेज में ही आपको 700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आप जितना इसको ज़्यादा होल्ड करेंगे, जो 700 है मेरा टारगेट, तो इसको 70,000 तक लेके जाना है इसको, तो मैं इजीली मतलब कि होल्ड करके आपको विद इन अ कम से कम 6 to 7 months में, देखिए आप धीरे धीरे कहाँ 7,000, फिर अपन 34,000, फिर 70,000 तक अपन इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। और भी अभी बेस्ट स्टॉक हैं जो मेरे, वो मैं आपको शेयर करूँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मेरे को वीडियो बनाने में इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो आप जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, 1,000 करीब होंगे, तो मेरे को भी अच्छा लगे कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो रही है। तो अपने सब्सक्राइब जरूर करके रखें मेरे चैनल को, जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले पता लगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वी विल अनदर वीडियो, थैंक यू।